हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग डेफिनेशन पे वीडियो बना रहे हैं। पूरे हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ऐसे मैंने 32 डेफिनेशंस में से निकाली है। अब हम देखते हैं क्या करना है हमको। 32 मतलब कि 32 स्लाइड्स है, ऐसा डेफिनेशन ज़्यादा होंगे सबकी, काउंट करके ज़्यादा आ जाएंगे। पूरे 16 चैप्टर के पूरे डेफिनेशन है। जैसे अपने सॉलिड स्टेट, तो इसमें हमें क्या लिया, आइसोमॉर्फिज्म पे डेफिनेशन है। आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ। आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, सेम फॉर्म। तो देखिए अभी सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो इसका रहेगा 1:1 रेशियो है। इसका देखो 1:1 रेशियो, ऐसा एग्जांपल। वैसे देखो सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट में, तो सोडियम देखो 1:1 नाइट्रोजन, 1:2 ऑक्सीजन, 3। यहाँ पे देखो 1:1:3, देखो सेम है ना, इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फ, लिखा है सब वर्ड्स में। तो थोड़ा इसके लिए पूरा इसको इसलिए एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या होता है, सिंगल पॉली मतलब ज्यादा, पॉली मतलब मेनी और मॉर्फ मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा फॉर्म। अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन फॉर्म, फॉर्म भी हो सकता है या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फस बोलते हैं। जैसे देखो कैल्साइट और देखो एरागोनाइट जो है ना, एरागोनाइट बोलते हैं, एरागोनाइट आर टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, आवाज क्लियर है ना। तो कैल्साइट और एरागोनाइट जो है ये दोनों फॉर्म है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट, वैसे देखो अल्फा कॉर्ड्स, बीटा कॉर्ड्स आर एंड क्रिस्टोबलाइट, ये थ्री फॉर्म्स है किसके, सिलिका के। वैसे देखो अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं, पॉलीफॉर्मिज्म ऑकर इन एलिमेंट में होता है, इसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं, उसको अलग वर्ड यूज किया है। जैसे देखो थ्री पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब हमको मालूम है, ऐसा आपको कर लेना है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये दो तो आपको याद रखना है कि सॉलिड से दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लिए। अब सॉल्यूशन से देखो, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब लेने, क्रायोस्कोपिक, इब्लियोस्कोपिक, यही डेफिनेशन आते हैं इसमें से। तो आइडियल सॉल्यूशन हम आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ते हैं, पर यहाँ पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, वो अपना आइडियल नॉन आइडियल कवर हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम बताता हूँ कि आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे उसको लेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो नहीं करेंगे उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं, आपको मालूम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले, ये एटमॉस्फेयर और ये आपका वाटर, तो इसका जो वेपर जब इसके इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, तो ये जो टेम्परेचर मतलब 100 आता है आपका वाटर का, 100 डिग्री पे क्या होता है वाटर बॉइल करता है, मतलब द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर उसको एक्सटर्नल प्रेशर बोल सकते हैं, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये आसान है, ऐसे सबको याद हो जाता है, 11 से पढ़ते हैं ना उसके लिए। अब इब्लियोस्कोपी कॉन्स्टेंट, तो इब्लियोस्कोपी कॉन्स्टेंट जो होता है ऑफ जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन, उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वन मोल ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व कर दो सॉल्वेंट, तब बनता है आपका इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट एक ही रहता है, वन मोला, यहाँ पे वन मोल, तो इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय वन मोलाल सोल्यूशन से। वैसे देखो अभी क्रायोस्कोपिक बात करते हैं, तो क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय वन मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, ऐसा रहता है, मतलब सोल्यूट सॉरी। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि लिक्विड और सॉलिड के दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होता है। यहाँ पे देखो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम एंड द टू फेजेस हैव द सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट बोलना है, ठीक है ना। सॉलिड लिक्विड का एक ही वेपर प्रेशर होता है, दोनों का इक्विलिब्रियम होता है और दोनों का सेम वेपर प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। और क्रायोस्कोपिक में वन मोलर सोल्यूशन प्रोड्यूस करना है, डिप्रेशन होता है वो। तो ये तो कुछ छोटे छोटे से डेफिनेशन इसके। फिर देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, अगर हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलना चाहिए, ऑस्मोटिक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द एक्सेस ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन। तो मान लीजिए अभी ऐसे एक ये लेते हैं, ऐसा लेके बताता हूं आपको मैं, ये जो है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा, देखा ये बोल्ड जो कर रहा हूं ना, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया यहाँ पर सेमी, ठीक है ना, परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके अब इधर से
इधर देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लगते हैं एक साइड, एक ये आपका सॉल्वेंट लेते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो ये सॉल्वेंट का नेट फ्लो इधर होगा, तो क्या हो, कैसा करा बोल रहा है, एक्सेस ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन साइड यहाँ पे हमने पिस्टन लगा रखा है, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करिए प्रेशर। तो मान लीजिए यहाँ पर तो यू क्या लाइक द एक्सेस ऑफ प्रेशर टू मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू स्टॉप द फ्लो बोल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे 300 पास्कल है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हैं, 400 पास्कल है मान लीजिए ऐसा। तो इसको ये 400 और ये दोनों जब इक्वल होगा तब फ्लो स्टॉप होगा। सॉल्वेंट इधर फ्लो हो रहा है क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा रहा है इधर। तो इधर जब आप क्या करें, 100 पास्कल का जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये आपका फ्लो रुक जाएगा, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब द एक्सेस ऑफ प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाई टू द सॉल्यूशन टू स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन टू सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक, दो सॉल्यूशन है दोनों का ऑस्मोटिक सेम रहेगा तो उसको लेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो द सॉल्यूशंस विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलना है, द सॉल्यूशन हैविंग हायर, अब दो है, एक का हायर है तो उसको लेंगे हाइपर, एक का लोअर है तो उसको लेंगे हाइपो, ऐसा है। द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपर, और हाइपो मतलब दूसरे का कम होना चाहिए, का ज्यादा होना चाहिए। द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ऐसे तीन रहेंगे। तो ये हो गए सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो इसमें लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा। तो उसमें कह रहा है इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट दैट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड। मतलब क्या होता है, आपने 100 मोल लिया उसमें से 20 डिसोसिएट हुए, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 ये मोल फ्रैक्शन को बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिवाइड करेंगे। अब ब्रॉन्सटेड लॉरी थ्योरी लिया ऐसे, तो ये एसिड और बेस की डेफिनेशन लिया मैंने इसका। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी एंड ब्रॉन्स या ब्रॉन्सटेड लॉरी थ्योरी, तो एसिड इज सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन डोनर, शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर को हम क्या बोलेंगे, एसिड। और प्रोटॉन एक्सेप्टर को मैं क्या बोलूंगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर को मैं बेस बोलूंगा। देख लीजिए डेफिनेशन, बेस इज ए सब्सटेंस, इसको मैं ऐसा लेता हूँ, बेस इज सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस। देखो मैंने एस एल लिया, एस एल को अमोनियम से रिएक्शन, तो मैंने अमोनियम और क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एच क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करता है, एच यहाँ पे लोन करते, यहाँ बनेगा आपको अमोनियम आयन, ये बन गया। तो ये प्रोटॉन डोनर से एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर से बेस, ऐसा है, प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस, ये याद रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। यहां मैंने इतनी जो डेफिनेशन दे रहा हूं ना, इसके बाद एक भी डेफिनेशन नहीं आई अभी, 100% पूरी इसमें से आएंगे अगर इतना आप लोग याद कर लेते, थोड़ा ज्यादा हो गया बोला है ना। देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, देखो द रिएक्शन इन विच कैटायन और अनायन और बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिडिक और अल्कलाइन और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस सॉल्ट। तो कभी जो सॉल्ट रहता है उसका या तो अनायन रिएक्ट करेगा या तो कैटायन करेगा या तो दोनों रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या बनेगा, सॉल्यूशन आपको या तो एसिडिक हो जाएगा या तो बेसिक हो जाएगा या फिर न्यूट्रल हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना। अब बफर सॉल्यूशन की बात करते हैं। बफर सॉल्यूशन बहुत नाम सुना है ना, जैसे गब्बर का नाम सुना है आप लोगों ने, बहुत फेमस है, वैसे ये बफर सॉल्यूशन नाम भी सुना होगा आप लोगों ने। तो सॉल्यूशन विच रजिस्ट चेंजेस इन पीएच, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो उसके सॉल्यूशन का पीएच को चेंज करने से रोकता है, उसमें हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड डाले या स्ट्रॉन्ग बेस डाले या फिर वाटर ऐड करें, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। देखो द सॉल्यूशन, देखो द सॉल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन इन पीएच व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वाटर इज एडेड टू इट इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। आसान है मिला। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, है ना, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, के एस पी, ऐसा के एस पी, बराबर है कि नहीं। ठीक है ना, तो देखो के एस पी, तो के एस पी मतलब देखो सॉलिड प्रोडक्ट होता है। तो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द सुटेबल पावर इज कॉन्स्टेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड के एस पी। मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाकर इसको बताता हूँ, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, देख लीजिए कैसा करना है। मैं आपको एक क्या करता हूँ, एक रिएक्शन दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ पे ए जी
सीएल लिया मैंने, इसको मैंने आयनाइज किया देखो, तो सिल्वर आयन बना और क्या होना है क्लोराइड आयन बना यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसका मैं केएसपी निकालूंगा, तो केएसपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन लिख लीजिए और यार इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। अगर यहाँ कोई नंबर होते तो पावर में रेज कर जाते हैं, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बराबर है कि नहीं। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द सुटेबल पावर इज कॉल्ड, मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पे टॉइस होता कुछ ऐसा, टू ले लेता ऐसा टॉइस होता तो ये पावर हो जाता ऊपर ऐसा, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एम जी सी एल टू लिया, एम जी सी एल टू, ठीक है ना, यहाँ पे एम जी कर लेता हूँ। अब देखिए अब कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे लिखा मैंने एम जी, यहाँ पे लिखा मैंने टू सी एल, तो टू पावर में रेस करेगा यहाँ पर, क्या करेगा टू पावर में रेस करेगा, ये टू हटा देखो ऐसा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंग सॉल्यूशन सॉल्ट द प्रोडक्ट ऑफ द आयनिक कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द सुटेबल पावर इज कॉन्स्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए जरा आप लोग, इट इज द फिनोमिनन इन विच द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड टू इट। मान लीजिए ऐसे अभी कोई हमने एग्जाम्पल लिया ऐसे, ठीक है ना, वीक एसिड लिया देखो सी एच थ्री सी ओ ओ एच, ये वीक एसिड, ठीक है ना, इसका डिसोसिएशन वीक होगा ऐसा सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस हो गया। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन है, मैंने सी एच थ्री सी ओ ओ एल ने इसमें डाल दिया, अब इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस एन ए प्लस, देखो ड्यू टू कॉमन आयन रिएक्शन आपका पीछे जाएगा, रिएक्शन सप्रेस बोला। इट इज द फिनोमिनन इन विच द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसके अंदर ऐड करते ही साथ, ऐड करते ही साथ, ठीक है ना, आपका रिएक्शन रिवर्स हो जा रहा है, तो सप्रेस कर दिया उसका डिसोसिएट, मतलब डिसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए अब नेक्स्ट आप देखते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक, इसमें देखते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, इसके एग्जांपल्स बढ़िया करके जाइए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बात करते हैं तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। उस ये क्या हो रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है ना, प्रिंस सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल, याद कर लीजिए इसको, ठीक है ना। अब इसका ऑपोजिट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ध्यान देना जरा, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है ना, ये क्या हो रहा है, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक टर्म है स्टेट फंक्शन, क्या होता है स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या होता है कि द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक फंक्शन और स्टेट फंक्शन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्रेशर, वॉल्यूम, इंटेनर्जी, एंथैल्पी, समझाता आपको। अब मान लीजिए आपका घर इनिशियल और आपका कॉलेज फाइनल, ए से बी, तो आप घर से कॉलेज गए फिर कॉलेज से घर आए, तो ये इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, या फिर इसको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, लिखा भी मैंने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको, ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन बोलेंगे, सही बोल रहे थर्मोडायनेमिक फंक्शन, मतलब ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ से इंडिपेंडेंट, मतलब आप यहाँ से कॉलेज गए, आप कॉलेज किससे गए, टू व्हीलर से गए, फोर व्हीलर से गए या पैदल गए, तो पाथ से इंडिपेंडेंट, आप डायरेक्ट आप घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, इस पर डिपेंड करता है, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल, ऐसा। तो प्रेशर, वॉल्यूम, इंटेंसिटी, ये सब क्या है आपके किस में आ जाएंगे, याद कर लीजिए जरा, स्टेट फंक्शन, एग्जाम्पल अच्छी तरह से कर लीजिए सबके एग्जाम्पल, समझ आ रहा है आप लोगों को, आ जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, जिसको यू से डिनोट करते हैं, मतलब एवरी सब्सटेंस इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस एनर्जी स्टोर्ड इन सब्सटेंस कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, मतलब सभी के बॉडी में इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है ना, आपका वाइब्रेशन, रोटेशनल, ठीक है, ट्रांसलेटरी, काइनेटिक, पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है, सारे सभी के सम को, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी के सम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी होते हैं।
ठीक है ना। अब एंथैल्पी किसको बोलना है, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इक्वल टू पी वी टाइम। मतलब इसको हम कैसे, अब ये याद होगा आपको फॉर्मूला, एंथैल को एच से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या बोल रहा है यहाँ पे इंटरनर्जी मतलब यू, और पी वी टाइम वर्क इसको बोलते हैं एंथैल्पी। क्या होता है, इट इज द सम ऑफ क्या होता है इंटरनर्जी और किसका पी वी टाइप वर्क का जो रहता है इसका सम होता है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी बोलेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अब ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट, फ्यूजन मतलब मेल्ट करना है, मतलब आपको यहाँ पे वन मोल ऑफ लेना है सब्सटेंस लेना, तो यहाँ भी क्या रहा है कि एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, मतलब सॉलिड तो हमने क्या किया लिक्विड किया, आइस से हमने वाटर बनाया, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ऐसा बोलेंगे एंथैल्पी मतलब कि फ्यूज करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, वो भी वन मोल सब्सटेंस के लिए, वन मोल सॉलिड सब्सटेंस के लिए। ठीक है, आप देखते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपर मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर कि वन मोल ऑफ जो लिक्विड है उससे उसको क्या करना है आपको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और वो भी होगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। देखो एंथैल्पी चेंज दैट अकंपेनिंग द वेपराइजेशन ऑफ वन मोल ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आयरेशन, मतलब एंथैल्पी वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मतलब उसको हीट करके वेपर कन्वर्ट करें, और इवेपोरेशन मतलब रूम टेम्परेचर पे क्या बन रहा है लिक्विड से वेपर बन रहा है, उसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन अलग वर्ड है और वेपराइजेशन मतलब हीट करके बनना है, इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे वेपर बननी चाहिए, ठीक है ना। अब लेते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, द एंथैल्पी चेंज दैट अकंपेनिंग द सब्लिमेशन ऑफ वन मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मतलब क्या होता है, सब आपको वन मोल लेना है सॉलिड लिया, वो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस बन गया, इसमें जितनी एंथैल्पी आपकी चेंज हो रही है, एंथैल्पी चेंज जो लगेगी इसको जितनी हीट ठीक है ना उसमें से निकलेगी बाहर, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमेशन मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि जो एक मोल आपने गैसेस सब्सटेंस लिया उसको क्या कर रहे हैं एटम में कन्वर्ट करने की, जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या लेंगे एंथैल्पी ऑटोमेशन। देखो एंथैल्पी चेंज अकंपेनिंग द डिसोसिएशन ऑफ वन मोल ऑफ गैसीय सब्सटेंस इनटू एटम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑटोमेशन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो मोलार कंडक्टिविटी आ सकता है, ठीक है, लैम्डा याद है ना, मोलार कंडक्टिविटी, लैम्डा मोलार कंडक्टिविटी, तो अब क्या लेंगे मोलार कंडक्टिविटी आपको याद होगा फॉर्मूला लैम्डा, आपको फॉर्मूला याद होगा आपको लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है कप्पा डिवाइडेड बाय सी, ये होता है, मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग इसको, तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ द कप्पा डिवाइडेड बाय इट्स मोलार कंडक्टिविटी मतलब सी, आसान है। फिर वोल्टेइक सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछ सकता है, मतलब कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिससे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है और क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल, ठीक है ना। देख लीजिए एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल, जितना हो सकता है डेफिनेशन बनाया मैंने। अब देखो सॉल्ट ब्रिज किसको बोलते हैं, आप जानते हैं सॉल्ट यू शेप की यूनिटेड ट्यूब होती है ऐसी उल्टी, देखो ऐसा इस टाइप की ट्यूब होती है, याद है आप लोग, ये देखो इस टाइप की ऐसा है ना, द इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, देखो द इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब कंटेनिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ केसीएल लेना है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट लेना है या फिर अमोनियम नाइट्रेट इन 5% अगर सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन किसको लेंगे जो समुद्र के नीचे जो माइक्रो प्लांट होते हैं उसके क्या बनाते हैं मैश करके उसका ऐसे बना देते हैं मैश करके उसको बना के जो बनेगा ना उसके अंदर रहता है आपका क्या अगर बोलते हैं उसको अगर अगर जेल बोलते हैं हम लोग ऐसा, ठीक है ना। तो अब लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स, देखो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको याद होगा, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा प्रोडक्ट का, मतलब रिएक्टेंट को माइनस साइन से बताते हैं और प्रोडक्ट को प्लस से, क्योंकि रिएक्टेंट में कंज्यूम होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसलिए कि पर यूनिट टाइम में जितना रिएक्टेंट आपका कंज्यूम होगा उतना आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा। देखो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम रहता है। अब देखो एवरेज रेट केमिकल रिएक्शन क्या होगा, द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बोलता है इसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या करता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम होना चाहिए, मतलब पर यूनिट टाइम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एवरेज में इंटरवल आएगा, मतलब कि 5 से 10 मिनट के अंदर जितना आएगा तो एवरेज
पांच से दस, दो दो वैल्यू, 5 मिनट 10 मिनट, दोनों को सम करके 2c डिवाइड करना, ऐसा आएगा। और इंस्टेंटली मतलब इंस्टेंटली डाला और डिजोल्व हो गया, मतलब इसमें टाइम जीरो लग रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट स्पेसिफिक इंस्टेंट, मतलब गिवन टाइम बात करें, इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। अब हम सीखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको लेंगे, आपको सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है ना, इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो पावर रहता है उसको सम कर रहे थे, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंपल सिंपल टर्म है। मॉलिकुलरिटी मतलब कि एक एलिमेंट रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्ट ले रहे हैं, 2, 3, 4, उसको बोलते हैं मॉलिकुलरिटी बोलते हैं। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब आपका ये डबल डबल रिविजन हो जाएगा वहाँ पढ़ेंगे आप। CO2 फर्स्ट ऑर्डर मतलब ये दिखता है हाई ऑर्डर लेकिन होता है लोअर, उसको बोलते हैं CO2। द रिएक्शन ऑफ हायर ऑर्डर ट्रू रेट लॉ बट विच आर फाउंड टू फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज कॉल्ड CO2 फर्स्ट ऑर्डर। थोड़ा सा कहेंगे वर्ड्स थोड़े से हार्ड है, क्या डेफिनेशन है ना वो। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, इंटर हेलोजन कंपाउंड पूछा है। अब बहुत जल्दी लोगा आप इंटर हेलोजन कंपाउंड्स देखो मेरा, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब कि हेलोजन हेलोजन कंबाइन करके बनाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो देखो दो हेलोजन कंबाइंस अमंगेस्ट देमसेल्फ टू फॉर्म द नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड। ये कितने टाइप के बनाते हैं देखो, X X डैश 3 X X डैश 5 X X डैश 7। यहाँ पर जो X है उसकी साइज कैसे होती है, लार्जर साइज होगी, और जो X डैश है उसकी साइज होगी स्मॉलर। बस थोड़ा मतलब रिविजन काम काम के सारे टर्म ले लिए। अब बात करते हैं ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें डी ब्लॉक ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन, ठीक है ना, तो ये टर्म्स और लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये चार टर्म इसके अंदर हमको लेने हैं। देखो इसमें अभी बहुत कम है, अभी यहाँ से कोई उतने ज्यादा डेफिनेशन 5-6 चैप्टर में ज्यादा है बस। डी ब्लॉक सभी लोग जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिटल एंटर करेगा तो उसको लेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, मतलब N-1 शेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलना है। और ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलना है कि अगर कोई भी आइटम उसके एलिमेंट्री स्टेट या फिर इसको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसा होना चाहिए, पार्शियली फिल होना चाहिए डी, मतलब डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल होगा। देखो एलिमेंट्स विच कंटेन पार्शियली फिल डी ऑर्बिटल इन देयर एटम्स और इन एनी ऑफ देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। और इनर ट्रांजिशन समझा, मतलब एफ ब्लॉक की बात है उसमें, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल मेंटेन होना चाहिए, एफ ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं थर्ड लास्ट, और पेनल्टी मतलब सेकेंड लास्ट, डी में सेकेंड पेनल्टीमेट आता है। देखो द एलिमेंट्स इन विच द डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द एफ ऑर्बिटल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल मतलब N-2 शेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, बराबर है। अब इसमें देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनॉइड जो सीरीज होती है उसमें क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है एटॉमिक साइज में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज में, और उसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो द स्लो एंड स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, मतलब क्या होता है, दैट इज समझ लीजिए, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देख लीजिए बन जाएगा आपसे। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें लिगेंड्स, उसमें फिर मोनोडेंटेड, ठीक है ना, पॉलीडेंटेड और एम्बीडेंटेड, ये तीनों टर्म। लिगेंड का भी यहाँ रिवीजन हो जाएगा आपका, लिगेंड्स मतलब जानते हैं ना ऐसा मॉलिक्यूल आयन जो क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, मेटल आइटम और आयन के साथ, उसको बोलते क्या, मतलब डोनर, शॉर्ट में डोनर आइटम्स। द मॉलिक्यूल्स आर आयन्स विच आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आइटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कॉल्ड लिगेंड्स और डोनर ग्रुप्स। अब मोनो और यूनिडेंटेड लिगेंड इसको बोलेंगे, तो जो सिर्फ एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है ना। देखो द लिगेंड्स विच हैज ओनली वन डोनर आइटम एंड डोनेट्स ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मोनोडेंटेड, एक ही डोनर आइटम होता है और क्या करता है वो एक ही पेयर को डोनेट करता है, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेड और यूनिडेंटेड। अब पॉलीडेंटेड और मल्टीडेंटेड, पॉली और मल्टी मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो बोलेंगे, दो या दो से ज्यादा ऐसा बोलना पड़ेगा। द लिगेंड्स विच हैज टू और मोर डोनर आइटम्स एंड डोनेट्स टू और मोर नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। द
दो से ज्यादा, एक तो आ गया अभी, दो से दो या दो से ज्यादा उसको बोलेंगे पॉली और मल्टीडेंटिगेंट। और एम्बीडेंटिगेंट मतलब फॉर्मल सेम रहेगा लेकिन उसमें दोनों में से दोनों आइटम दोनों होंगे लेकिन एक टाइम एक ही करेगा। जैसे अब देखो हमने बोला साइनाइड बोला, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ साइनाइड, तो साइनाइड में क्या होता है कार्बन डोनेट का, तो कार्बन के थ्रू होगा या तो नाइट्रोजन करेगा, ये देखो एम्बीडेंट इसको बोलते हैं। फॉर्मल सेम है, कार्बन एक और हाइड्रोजन एक, सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ये कार्बन के थ्रू कर रहा है ये नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है। मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग, द लिगेंड विच हैज टू और मोर डोनर एटम्स, ओनली वन एटम डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड एम्बिडेंट। लेकिन एक टाइम एक ही करेगा कार्बन या साइनाइड, या फिर आपने बोला कि नाइट्रो लिया तो नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन ऐसा रहेगा। अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स होंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स इसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स है। द कॉम्प्लेक्स इन विच द सेंट्रल मेटल आइटम अटैच टू ओनली वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप आर कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होना। और हेट्रो में एक से ज़्यादा, तो कॉम्प्लेक्स विच इन विच द सेंट्रल आइटम अटैच टू टू और वन टाइप ऑफ मोर देन वन टाइप सॉरी सॉरी मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप्स उसको क्या बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। एक से ज्यादा होना चाहिए, दो तीन चार ऐसा। अच्छा अब यहाँ से तो और ही छोटा है, हेलोजन डेरिवेटिव की डेफिनेशन, फिर एल्कोहल की, फिनॉल की, ईथर की, अमाइन की, अभी पटापट पटापट जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर हेलोजन डेरिवेटिव किसको बोला है, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स जैसे क्लोरिन ब्रोमिन आर कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो अब हमने ये लिया हाइड्रोकार्बन अल्केन, एलिफेटिक हो सकता है या फिर एरोमेटिक हो सकता है, जान लीजिए एरोमेटिक डाल देता हूँ ऐसा। तो ये रिप्लेस करके आपको देखो यहाँ पे ए आर या फिर आर क्या बनेगा यहाँ पर हेलोजन ऐसा रहेगा, ऐसा इस टाइप से बनेगा। मतलब कि यहाँ का जो एच है वो रिप्लेस करना है किससे, देखो एच को निकाला मैंने और क्या ऐड कर दिया हेलोजन ऐड कर दिया, उसको बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। फिर वो एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। अब देखो एल्कोहल फिनॉल ईथर, अब तीनों के डिफरेंस। एल्कोहल किसको बोलेंगे, अब जैसे मैंने अब अल्केन लिया आर एच, अब इसमें से जो एच है वो मैं किससे रिप्लेस करूंगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से करूंगा, तो क्या बन जाएगा एल्कोहल। आगे समझ आपको, देख लीजिए द एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अल्केन्स ऑब्टेंड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय हाइड्रोक्सिल। वैसे अब फिनॉल की बात करते हैं, फिनॉल में तो फिनॉल में क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग होता है उसके साथ डायरेक्टली एक या एक से ज्यादा आपका क्या अटैच होना चाहिए हाइड्रो, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर डेफिनेशन में, द एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक न्यूक्लियस आर कॉल्ड फिनॉल्स बोलना है। और ईथर्स किसको बोलेंगे, अब ईथर्स, ईथर्स आर एल्कोक्सी और अराइल ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन बाय एन एल्कोक्सी और अराइल ऑक्सी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एलिफेट लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया अल्केन लिया, ठीक है ना, इसका जो हाइड्रोजन आइटम है वो किससे रिप्लेस हो रहा है एल्कोक्सी ग्रुप से हो रहा है, तो यहाँ पे एलिफेटिक ईथर बन गया। देखो ये एलिफेटिक ईथर, एरोमेटिक बनाइए बेंजीन ले लीजिए उसका एच रिप्लेस करो अराइल ऑक्सी से, दोनों लिखा है मैंने। तो क्या बोला डेफिनेशन यहाँ पर देख लीजिए, द ईथर्स आर द एल्कोक्सी और अराइल ऑक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन आइटम बाय एन एल्कोक्सी और अराइल ऑक्सी ग्रुप, देख लीजिए। अब बात करते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलेज, तीनों के डेफिनेशन। मतलब क्या होता है आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा पूरा। अल्डिहाइड किसको लेंगे, अल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। अगर हमने प्राइमरी एल्कोहल लिया, ये देखो CH2 लेता हूँ, CH2 OH प्राइमरी एल्कोहल, अब इसका हमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो उससे क्या बनेगा आपका यहाँ पे RCHOR से निकल जाएगा वाटर, देखो फर्स्ट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। और कीटोन जो होते हैं अभी अगर हम कीटोन जाते हैं, कीटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स ऑफ सेकेंड एल्कोहल होता है इसका। जैसे हम सेकेंड एल्कोहल मैंने यहाँ पे लिया RCHOH, यहाँ पे लिया मैंने दूसरा R, तो यहाँ का मैंने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ऑक्सीडाइज किया तो क्या बनेगा यहाँ पे RCH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डाल दिया मैंने आर, देखो कीटोन ऐसा बनेगा सेकेंड एल्कोहल। तो वाटर निकालना है H2O, ये वाटर निकलेगा यहाँ से, देखो OH और यहाँ से H ऐसा निकलेगा, तो ये निकल गया आपका वाटर ऐसा। अब देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बोक्सी ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एक से ज़्यादा हो सकता है, जैसे मान लीजिए देखा RCO, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, ऐसा है, ठीक है, सिंपल सिंपल डिफिनेशन। अब अमाइन्स की डेफिनेशन देख लीजिए,
तो अमाइन जो होता है, अमाइन्स आर अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय सेम और डिफरेंट अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। मान लीजिए अब हमने यहाँ पे लिया अमोनिया लिया, ठीक है, अमोनिया का मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन आइटम एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, प्राइमरी अमाइन बन गया। अब मान लीजिए दूसरा एच भी निकाल दिया मैंने अल्काइल ग्रुप से, तो बन गया यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन, तीसरा एच सेकेंडरी अमाइन, सॉरी एक मिनट, सेकेंडरी अमाइन, अब तीसरा एच भी मैंने निकाल दिया बाय अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ बनेगा आपका टर्शरी अमाइन। ये दो बार बना ऐसा, तो अमाइन सार अल्काइल और यहाँ अल्काइल यहाँ पे आप अराइल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, मैंने एलिफ यहाँ पे एरोमेटिक बना के देख लीजिए, तो अमाइन सार अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑप्टेंड बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम्स बाय सेम और डिफरेंट। तो यहाँ पे सेम हो सकता है डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, आपको ऐसा याद रखना पड़ेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ पीछे जा रहा भाई। अब बात करते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, अमीनो एसिड डेफिनेशन, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, ठीक है ना, एंजाइम प्रोटीन, ये जरा इसके जरा इसमें जरा डेफिनेशन है, तो इसलिए जरा डेफिनेशन लिए देखो। तो कार्बोहाइड्रेट इसको सैकेराइड्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देखो समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देख लीजिए बराबर है, आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स, देखो अल्फा अमाइनो एसिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक एसिड ऑप्टेन बाय रिप्लेसिंग अल्फा हाइड्रेटम बाय अमाइनो ग्रुप। मतलब अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिया, देखो अल्फा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बोला है आपने, देखो फंक्शन ग्रुप क्या है, फर्स्ट कार्बो अल्फा होता है, तो ये एच को हम किससे रिप्लेस करेंगे, अल्फा हाइड्रेटम को किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, बाय एन एच टू ग्रुप से करेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पर आर सी एच सी ओ ओ एच, यहाँ का जो एच है किससे रिप्लेस हो, एन एच टू, ये बन गया आपका अल्फा अमाइनो एसिड। देखो ऐसा, अब एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करते हैं, तो मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर, एसेंशियल मतलब जो अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, अपने डाइट से। देखो द अमाइनो एसिड्स विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड ऑब्टेन थ्रू आवर डाइट आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलना है इसको। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब इसको आपको आपको डाइट से मिलेगा, सॉरी इसको आपको बॉडी में सिंथेसाइज होगा, ये द अमाइनो एसिड्स विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, जिसका बायो है ना उनको याद रहता है ये सब। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट होता है फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज करते हैं, कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट है, जो ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है लिविंग रिएक्शन उसको कैटलाइज करने यूज करते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड, द न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन और क्रोमोजोम्स। दिख रहा है आपको, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोमोलिक्यूल विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन और क्रोमोसोम्स। चलो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, कुछ इसके टर्म्स और इसके बस अब दो ही चैप्टर रह गए, मैंने चैप्टर वाइज निकाला है, मैंने आपको बिल्कुल आपको आराम से कर दिया, बहुत टाइम लगा मेरे को भी करने के लिए, तो देख लीजिए इधर अभी इलास्टोमर्स के स्कूल, इलास्टोमर्स ये क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, दीज आर द पॉलीमर्स, मतलब दीज पॉलीमर्स आर रबर लाइक सॉलिड विथ इलास्टिक प्रॉपर्टीज कंटेनिंग वीकेस्ट वैन डेर वाल्स, आया तो वहाँ भी काम आएगा इधर भी काम आएगा। फाइबर्स की बात करते हैं तो क्या होगा, दीज पॉलीमर्स हैव लॉन्ग लीनियर चेन्स विथ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड फोर्सेस, कौन सा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिटवीन द चेन्स रहता है, एंड ड्यू टू दीज स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस द फाइबर्स आर क्रिस्टलाइन। ये लास्ट का ये नहीं लिखा तो चलेगा इतना, ये मैंने ये कर दिया, इसको कट कर देता हूँ, लेकिन आपको काम आएगा ये सब, तो आपको लिखना इतना है, दीज पॉलीमर्स हैव लॉन्ग लीनियर चेन्स विथ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द चेन्स, इसको बोलते हैं फाइबर्स। अब थर्मोप्लास्टिक इसको बोलेंगे, थर्मोप्लास्टिक इसको हीट करने से सॉफ्ट बनेगा और कूल करने से हार्ड हो जाता है, और इस पॉलीमर को हम रीयूज कर सकते हैं, मतलब रीमोल्ड कर सकते हैं, जो चेयर आती है ना प्लास्टिक की, उसको हीट करने से मेल्ट हो जाता है, उसके आप कोई भी नया प्लास्टिक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इसलिए भंगल वगैरह वो ले जाता है थर्मोप्लास्टिक को।
दीज, देखो अब यहाँ पर दीज पॉलीमर्स ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट एंड ऑन कूलिंग बिकम हार्ड, हेंस दीज पॉलीमर्स कैन बी रीमोल्डेड एंड रिसाइकल्ड, इसका ऐसा याद रखना है, याद रहेंगे आपको ये। चलिए अब हम देखते हैं थर्मोसेटिंग, अब इसको हीट करने से सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड ही रहता है। तो दीज पॉलीमर्स डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग अंडर प्रेशर एंड हेंस कैन नॉट बी रीमोल्डेड एंड रिसाइकल, एंड दीज आर द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है, अब होमोपॉलीमर, ये सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर से बनता है, ऐसे पॉलीमर को बोलेंगे होमोपॉलीमर, मतलब अ पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल इज नोन एज होमोपॉलीमर। और हेटेरो मतलब, या फिर इसको कोपॉलीमर मतलब उसका ऑपोजिट कर दो, ये दो या दो से ज़्यादा टाइप के मोनोमर से बनेगा। देखिए अब यहाँ पर पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम टू और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल इज नोन एज कोपॉलीमर। ओके, अब देखिए यहाँ पे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलना है। वल्कनाइजेशन क्या होता है कि इसको सल्फर डालकर उसको हीट करते हैं, तो नेचुरल रबर जो होता है वो स्टिकी रहता है, नॉन मतलब लश कम इलास्टिक होता है और कैसा होता है लेस टेंसाइल होता है उसको, तो उसको अच्छा करने के लिए हमको वल्कनाइजेशन करना पड़ेगा। द प्रोसेस बाय विच द नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स इज इंट्रोड्यूस इन टू इलास्टोमर इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। ये छोटी डेफिनेशन है। और बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बैक्टीरिया से डिग्रेडेड होता है, तो दे आर डिग्रेडेड बाय द बैक्टीरिया इन द एनवायरमेंट, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। चलिए आप देखते हैं लास्ट चैप्टर, ठीक है ना। तो इसमें पहले देखते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की डेफिनेशन आती है, या फिर नैनो केमिस्ट्री आती है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, तीन डेफिनेशन से पढ़नी है, बस खत्म। अब देख लीजिए ग्रीन केमिस्ट्री किसको बोला, आपको मालूम है कि ये पॉल्यूशन को कम क्रिएट करता है, मतलब हार्मलेस जितने भी है ना पॉल्यूशन को कम करने को बोलते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। देखो द ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली, ठीक है ना, कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस, ऐसा आपका ये। अब ये डेफिनेशन आपको ऐसे याद करना है क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिकली है। और नैनो केस मतलब जो छोटे छोटे रहते हैं ना बारीक माइक्रो, उसको उससे डील करता है डिजाइनिंग में। तो इट डील्स विद द डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ द नैनो स्केल, बोल छोटा रहता है, माइक्रो में चलता है, एंड डिफरेंट साइज एंड शेप्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन टू फंक्शनल आर्किटेक्चर। मतलब डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकली तो आपको याद करना पड़ेगा, मतलब नैनो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इट डील्स विद डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ नैनो स्केल विद द डिफरेंट साइज एंड शेप्स स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन टू फंक्शनल आर्किटेक्चर, ठीक है ना। अब एक लास्ट डेफिनेशन, आपका पूरे डेफिनेशन का ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है, नैनो मतलब जो छोटा रहता है, बारीक बारीक रहता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज द डिजाइन कैरेक्टराइजेशन प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स डिवाइस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग शेप्स एंड साइज एट नैनोमीटर स्केल। तो याद कर लीजिए, याद करने वाला थोड़ा सा अलग है जरा, तो आपका काम हो जाएगा। ये तीन डेफिनेशन, तो आपका इतने सारे डेफिनेशन मैंने करा दिए, तो डेफिनेशन एक वीडियो आपका फर्स्ट क्लास हो गया है, आप कोई टेंशन की बात नहीं है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मैं सोच रहा हूँ डिस्टिंग्यूस का है और लॉस का बनाना है, अभी डिस्टिंग्यूस लॉस सब छोटे छोटे बनाओगे, अब बहुत टाइम है अभी आपको। अच्छा ठीक है ना, आप ये कर लीजिए इसको, और मैं लाइव आके आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी हम लोग क्या करें, मैं अभी अपने ऐप पर मैं अभी क्रैश कोर्स प्लस ट्वेल्थ में एक लेक्चर 21 से सोच रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए, तो मैं लाइव आके आपसे मैं डिस्कशन करूँगा, आप मुझे बताइए इसके अंदर, तो आप प्रिपेयर रहिए, ये लेक्चर आप लोगों का फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते रहिए, और जो बच्चे मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो बेल आइकन को हिट करेंगे, ठीक है ना, प्रेस करेंगे और सारे नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और उसको लाइक करेंगे शेयर करेंगे, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। ओके बेटा, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट से मुझे ज़रूर बताइए। ओके चलिए, तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो अभी पोस्टपोन हो चुका है, अब मई के एंड में एक अपडेट आएगी, फिर मैं आज आपको क्या करता हूँ, इसके बाद मैं आपको 40 डेज का स्ट्रैटेजी का वीडियो बना के डाल दूंगा। 40 डेज बचते हैं करीब करीब, 40 डेज का मान के चलते हैं अप्रॉक्स, या उसके करीब करीब 40 डेज बचते हैं, उसका मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बाय।